जो आजकल की जनरेशन को लगता है कि मेरे बहुत सारी गर्लफ्रेंड या फिर बहुत सारे, कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे आप में और जानवरों में कोई डिफरेंशिएट से घातक बीमारी है और इसका एकमात्र इलाज इससे बचाव। दुनिया में आज बढ़ रहा प्रकोप है, एड्स वो बीमारी है जिसका इतना खोप है, इलाज इसका अभी तक कुछ नहीं बन पाया है, बस इसी कारण से सबको इसने डराया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एड्स की। यह बीमारी वर्ष 1981 में पहली बार सामने आई, जिसने लगभग 8.5 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो क्या है ये एड्स बीमारी, क्यों इसका अभी तक कोई इलाज नहीं बन पाया है? एड्स के बारे में क्यों लिखा जाता है कि डोंट डू डाई इन इग्नोरेंस, मतलब अनदेखी के कारण ना मरे? और यदि किसी को एड्स हो जाता है तो उसके लिए कोई रास्ता है या नहीं? HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम है? जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास अग्रवाल। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, बट यकीन मानिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ कि आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। आज बात करेंगे एड्स बीमारी की। यह 1981 में पहली बार सामने आई। माना यह जाता है कि यह बंदरों से इंसानों के बीच में फैली, जो कि एक जूनोटिक डिसीज है। यदि आप जूनोटिक डिसीज के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जूनोटिक डिसीज क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इस टर्म को ही समझ लेते हैं। एड्स की अपनी एक फुल फॉर्म है, यहाँ पर ए का मतलब है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो चीज़ बाहर से आई हो, मतलब यह बीमारी जन्मजात आपको नहीं थी। यहाँ पर आई और डी का मतलब होता है इम्यूनो डिफिशियंसी, आपके बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसकी यहाँ पर डेफिशियंसी या कमी हो जाती है। और एस का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब यहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर बीमारी के लक्षण नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों के लक्षणों के ग्रुप मिलते हैं, जिसको सिंड्रोम कहते हैं। अतः एड्स से पीड़ित व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। भारत में यह बीमारी सबसे पहले 1986 में चेन्नई में दर्ज कराई गई, जिसने अकेले ही 2021 में लगभग 42,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो HIV नामक वायरस से होती है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस शरीर में मौजूद टी सेल या फिर CD4 सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। लेकिन ये सारी चीजें समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मान लीजिए कि हमारे देश में कोई आतंकवादी घुसता है और जनता को नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे देश की एक डिफेंस आर्मी है, जैसे ही उनको पता चलता है, हमारे देश की डिफेंस आर्मी उस आतंकी को घेरती है और मार डालती है। लेकिन अगर कोई आतंकी आर्मी पर ही अटैक करने के लिए आया है तो पूरा देश ही खतरे में पड़ जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये HIV वायरस आतंकवादी है, हमारे शरीर में मौजूद टी सेल्स, जिनको CD4 सेल्स कहते हैं, वो हमारे शरीर की आर्मी हैं। HIV वायरस शरीर में कोई बीमारी नहीं करता, ना ही किसी ऑर्गन को डैमेज करता है, ये केवल और केवल CD4 सेल्स को टारगेट करता है और उनको नष्ट करना शुरू कर देता है। समय बीतने के साथ HIV वायरस जैसे जैसे CD4 सेल्स को ख़त्म करता जाता है, वैसे वैसे शरीर बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब बीमारियों से लड़ने के लिए कोई इम्यून सिस्टम नहीं बचा, इसलिए छोटी से छोटी बीमारी बहुत ही भयानक रूप ले लेती है और हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आगे की चीज़ें शायद आपको अजीब लगें, बट एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको सारी बातें ओपनली बताऊँ। लेकिन अगर फिर भी आपको डिसकंफर्टेबल फील होता है तो आप ईयरफोन को कान में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफ़र होता है। सबसे पहले खून के द्वारा। यदि किसी HIV पीड़ित व्यक्ति का ब्लड किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो ऐसे में नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर सकता है। नंबर दो पर सीमेन या वीर्य के द्वारा। यदि किसी HIV पीड़ित व्यक्ति का सीमेन या फिर वीर्य नॉर्मल महिला के शरीर में जाता है तो ऐसे में HIV का संक्रमण हो सकता है। नंबर तीन पर स्तनपान के द्वारा। HIV पीड़ित माता के दूध में HIV वायरस मौजूद होता है। यदि HIV पीड़ित माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को भी HIV का संक्रमण हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं योनि या फिर वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा। महिलाओं की योनि या फिर वेजाइना में एक चिपचिपा लिक्विड पाया जाता है। यदि महिला HIV पीड़ित है तो इस लिक्विड में भी HIV का वायरस मौजूद होता है। ऐसे में यदि महिला किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उस पुरुष को भी HIV का संक्रमण हो सकता है।
और लास्ट में बात करते हैं असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा। क्योंकि HIV से पीड़ित व्यक्ति के खून में, वीर्य में, वेजाइनल फ्लूड में HIV का वायरस मौजूद होता है, ऐसे में यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाए तो HIV संक्रमण के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सारे कारणों से HIV का वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि HIV का वायरस हवा, पानी, भोजन के थ्रू नहीं फैलता है। इसके साथ ही HIV पीड़ित व्यक्ति के साथ उठने बैठने, हाथ मिलाने, खाने पीने से HIV वायरस नहीं फैलता। जी हाँ, नहीं फैलता। अब जानते हैं कि HIV का कोई इलाज क्यों नहीं है। HIV वायरस से बचाव करना ही एकमात्र इलाज है। दरअसल HIV वायरस व्यक्ति के DNA में प्रवेश कर जाता है और उससे एक मजबूत संबंध स्थापित करता है, जिसके कारण से इस पर किसी दवा या वैक्सीन का असर नहीं होता। साइंटिस्ट और डॉक्टर HIV का इलाज ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। HIV से पीड़ित व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन आज मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है और यह तरीका खोज निकाला है कि इस वायरस के साथ भी व्यक्ति को एक लंबी आयु प्रदान की जा सके। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा HIV वायरस से पीड़ित व्यक्ति को कई और सालों तक जीवन दान दिया जा सकता है, किंतु इस उपचार के द्वारा व्यक्ति के शरीर से HIV के वायरस को नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उसकी जीवन की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। HIV से संक्रमित होने के बाद किसी भी तरह की थेरेपी या फिर मेडिकल चिकित्सा ना लेने पर व्यक्ति को एड्स हो सकता है, जिसके बाद व्यक्ति मात्र 2-3 सालों तक ही जीवित रहेगा। अब जानते हैं एड्स क्या होता है। जैसा कि हमने जाना कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। हर वो व्यक्ति जिसे HIV है उसे एड्स होगा यह जरूरी नहीं। ध्यान से सुनिए, हर वो व्यक्ति जिसको HIV है उसको एड्स होगा यह जरूरी नहीं। HIV से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में CD4 सेल्स कम होना शुरू हो जाती हैं। रिसर्च के अनुसार एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 500 से 1600 पर क्यूबिक मिलीमीटर के बीच में CD4 सेल्स पाई जाती हैं। HIV पीड़ित ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में CD4 सेल्स का स्तर 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर रह जाता है, उसे एड्स से पीड़ित माना जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में इन बीमारियों के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको शॉर्ट में TB कहते हैं, कैंसर, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, यह हाथों में पाए जाने वाले एक पैरासाइट के कारण होने वाली एक प्रॉब्लम है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये माइंड से संबंधित एक प्रॉब्लम है, क्रिप्टोकोकस मेनिनजाइटिस, मस्तिष्क में होने वाला एक फंगल इन्फेक्शन, इसके अलावा ओरल थ्रस, यहाँ पर मुंह के अंदर और गले में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें समझते हैं। यह जरूरी है कि HIV से संक्रमित होने पर बिना झिझक के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, ताकि ये समस्या गंभीर ना हो और एड्स की स्टेज तक ना पहुँच पाए। हालांकि HIV और एड्स का अब तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा 14 से 15 साल, यहाँ तक कि 20 सालों तक भी जीवित रखा जा सकता है। इससे जीवन के चांसेस को बढ़ाया जा सकता है। HIV से बचाव बेहद जरूरी है, इसलिए उन कारणों से बचें जो HIV को जन्म देते हैं, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स को बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि ये बेहद ही घातक साबित हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति या महिला के साथ सेक्स ना करें जिसको पहले से ही HIV का संक्रमण है। एक से अधिक पार्टनर के साथ सेक्स ना करें, इससे भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जो आजकल की जनरेशन को लगता है कि मेरे बहुत सारी गर्लफ्रेंड या फिर बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे आप में और जानवरों में कोई डिफरेंस ना रह जाए। नेचर ने सबको बनाया है और एक के लिए एक ही पर्याप्त है। सही समय आने पर नेचर ही उसे आपसे मिलवा भी देगा। तो एक के लिए ही ट्रस्टेड बनकर दिखाइए। और मल्टीपल BF या GF रखना कोई कूलनेस वाली बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी फूलनेस वाली बात है। सेक्स करने से पहले और बाद में पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें तथा अपने हाथों व प्राइवेट पार्ट्स को साफ कर लें, ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सके। सेक्स के दौरान कोंडोम का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, एड्स एक घातक बीमारी है और इसका एकमात्र इलाज इससे बचाव ही है। इस बात का पूरा ख्याल रखें और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। अंत में हेल्थ के मानक हैं फिक्स, इसलिए नहीं ले कोई रिस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।